बाहर जाना है, अब नावल नहीं लाया। मांगे नाव न केवट आना। लक्ष्मण जी ने कहा था जब आपके भक्त हैं, एक को लौटान है जब तो जा नहीं रहा था, इसको बुला रहे तो आ ही नहीं रहा है, तो मामला क्या है? अरे कांती, लक्ष्मण ने कहा लगता है आपको जानता नहीं, मैं आपका परिचय दे दूं क्या? तब नाव ले आएगा। तब तो ईशन और खराब हो गई जब उसने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा मरम मैं जाना। मैं आपका मरम जानता। देखो सामान्य जानना अलग बात है, मरम जानना अलग बात है। अच्छा पहले गांव में बड़े गजब गजब लोग होते, कुछ ऐसे लोग होते थे वो समझते नहीं थे, ये भी जानते आज कौशी। हाँ वहाँ मैं आप समझिए प्रयागराज में कुटवा ककरा जमुनी पूरे जगह जहाँ के जे एन मिश्रा ग्रामों में जो विश्वविद्यालय बनवाए हैं बहुत बड़ा, उसी जगह एक पंडित मानिक चंद्र मिश्र जो उत्तर प्रदेश सरकार से राष्ट्रपति से अनेक पुरस्कारों से महिमा मंडित थे, बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान। हाँ अब उनके यहाँ तिलक का कार्यक्रम था, हम लोग भी गए हुए थे। उसी गांव में रघुवीर मिश्र थे, रघुवीर मिश्र आए है पंडित मानिक चंद, आप जो कहिए सब ठीक है, बड़े लोग हैं, लेकिन हम किसी से नहीं कह रहे हैं कि आप पानी मिश्र हैं, असली मिश्र नहीं है। बताओ उस दिन कहने की क्या जरूरत है, वो चाहे बने हो चाहे बिगड़े हो चाहे जो हो, लेकिन उस दिन तो आप ना कहते। हाँ तो कभी कभी ऐसा होता है कई जगह कई लोगों के संदर्भों में और सामाजिक स्तर पर कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं ऐसा कहना चाहिए जिससे उसके हृदय को दुख हो। तो ऐसे संदर्भ में ऐसी व्यवस्था में ऐसे क्रम में शास्त्रकार बड़े मंगलमय ढंग से कहते हैं, आज श्री राम ने कहा केवट नाव लाओ। आप कहा मैं आपका मरम जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ। कहा क्या? कहा मैं इससे जरा पूछ लूं कि आपका मरम क्या जानता है, जबकि आपका मरम मैं नहीं जान पाया आज तक, साथ में रहता हूँ। लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, जाना मरम न मानता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश मरम नहीं जानते, जब बड़े बड़े लोग मरम नहीं जानते, इस सामान्य केवल लेख लेख का है, नाइकी नाइकी वेद कहता मैं नहीं जानता, वेदांत कहता मैं नहीं जानता, और सत्य कहता मैं नहीं जानता, न्याय कहता न्याय कहता मैं नहीं जानता, मैं थोड़ा सा जानता उसका वर्णन करता हूँ। ऋषि कहता है तुम्हारे भजन प्रभाव अधारी जानो महिमा कछु, तुम्हारे थोड़ा सा जानता मैं ज्यादा नहीं जानता। लेकिन ये केवट नदी के किनारे वो सब पढ़ा लिखा और कहता मैं मरम जानता हूँ। मैं इससे जरा पूछो ये क्या मरम जानता है? श्री राम ने कहा पूछो मत, हर जगह विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ इस समय हमको पार करना है, तुम टेबल टॉक करोगे। आप सब लोगों से प्रार्थना है जैसे यात्रा कर रहे हो, फैमिली साथ में है, पत्नी साथ में है, किसी से झगड़ा मत करो, किसी से उलझो मत। हाँ जैसे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे हो और पत्नी फैमिली साथ में है और किसी से आप लड़ गए और उसी के सामने उसने एक तमाचा आपको मार दिया, पत्नी के सामने जिंदगी भर पत्नी को डांट नहीं पाओगे, जब डांटोगे तो कहेगी ना उस दिन कहाँ गई थी वीरता, जब स्टेशनवा पर पूछे आए तब नहीं बहादुरी दिखाई पड़ी। आज हम तो बहुत समझा रहे हैं, तो अगर फैमिली को साथ में लेके चलो तो आप समझो कि बहुत उसको ठीक से रखो। हमारे लिए बड़े परिचित हैं, बहुत परिचित, अपनी पत्नी को लेकर के शहर गए क्या पूछना, बहुत अच्छा। और उसके बाद कहे कि तुम यही रहना मैं आऊंगा, और मोटरसाइकिल ले चले आए, भुलाए गए कि हम उनको छोड़ के आए। चार पांच घंटा के बाद याद आया है कि हम तो उसको छोड़ के आए। तो उस दिन की घटना के बाद जब भी वो पत्नी को ले गए तभी ये नहीं लेती थी, कथा भी हमको दीजिए, आप ऐसे भुला जाते हैं, भुला कर आए। अच्छा भुला
होते, तीन पत्नियां महिलाएं मिली तो हमारे पति तो बड़े उलक्कड़ हैं। अच्छा ये भी नहीं सोचते किसमें इज्जत है किसमें नहीं। दूसरी ने कहा हमारे तो तुमसे ज्यादा भुलक्कड़ हैं। तीसरी ने कहा तो हमारे दोनों से ज्यादा भुलक्कड़ हैं। तुम्हारे पति क्या भूलते हैं? शाम को जो भोजन किए जाते हैं सवेरे भूल जाते हैं कि पूरी खाए थे कि पराठा खाए थे कि खाए थे बिना खाए थे बिना खाए सो गए कहा। तुम्हारे क्या भूलते हैं? तो हमारे पति कर्जा भूल जाते हैं। जिसका कर्जा लिए रहते हैं जब मांगने आते कब लिए थे हम। तीसरी ने कहा तुम्हारे भोजन भूलते हैं तुम्हारे कर्जा भूलते हैं। अभी कल प्रतापगढ़ में बेल्हा माई में दर्शन करने गई थी उधर हमारे पति आ गए हमको देख के कहे बहन जी नमस्कार लगता है कहीं आपको देखा हूँ। अभी इतना ज्यादा भुलक्कड़ है तो समझिए हाँ तो इन चूजे इनकी क्वालिटी है जैसे उम्र एक कम बताएंगे आप समझो जैसे एक जगह ट्रेन में 3:45 की 35 की 25 की महिला थी तो 45 वाली से लोगों ने पूछा दीदी कहा उम्र होए कहा उम्र बा 32 साल के तो है अब हमारे एनिवर्सरी मनाई है। 35 वाली का बता भाई हम तो 65 साल के है अरे हमारे पति ने अंगूठी दिया। 25 वाली का बता भाई हम तो 17 साल के है हाँ तब इंटरव्यू में नहीं जा पा रही तो उसके ऊपर 86 साल का बुढ़वा लेटा था बर्थ पर वो गिर पड़ा रोने लगा तो तीनों महिलाओं ने उठाया दादा क्या हुआ कहा पैदा हो गए आप लोगों की झूठ देख कर हमसे रहा नहीं गया कि आप लोग गजब के हो आप संजय कहीं की एक क्वालिटी है। अब आप देखा तो प्रभु श्री राम ने बहुत अच्छी बात कही का उलझना नहीं चाहिए एक बात दूसरी बात लक्ष्मण मैं सुनते सुनते उब गया जितने लोग मिले यही कहे मैं आपको नहीं जानता मैं आपका मर्म नहीं जानता कम से कम एक मिला तो जो कहा मैं आपका मर्म जानता हूँ जरा मैं देखूँ ये क्या मर्म जानता है हाय तुम्हारा मर्म मैं जाना मारे नाव न केवते आना। कहा भैया एक बात सुनो हमको जाना तो जरूरी है केवट ने कहा जाना जरूरी है तो एक कंडीशन है अगर आप मेरी बात मानोगे तब तो मैं उतारूंगा नहीं तो एक काम करो यहाँ से थोड़ी दूर जाओ वहाँ पानी कम है और वहाँ पानी कम है मैं जानता हूँ वहाँ से बिना नाव के चले जाओगे यही घाट से थोड़ी दूरी है कटला जल था दिखाई हूँ जो पर से पग धोरे करे करनी धरनी घर क्या समझाई हूँ जो थोड़ी दूर पे चले जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा एक अच्छा कह रहा कहा सबको रास्ता बता दो उधर से चले जाए कहा खड़े रहो बता दो शाम को बताऊंगा ना ये धंधे का टाइम है बिजनेस का पीरियड है सबको वह रास्ता बता दे सब हो रहे से चला जाए बिजनेस था तो हमको पैसा कहूँ देगा आपको साधु महात्मा के देश में बता दूंगा लेकिन अभी थोड़ी बताऊंगा हाँ शाम तक खड़े रहो। राम जी ने कहा तुम्हारी शर्त क्या है तो हमको आपसे कोई खतरा ही नहीं है आपके पैरों में जो धूल है ना उससे खतरा है क्योंकि तारण्यो मुनि धरनी होई जाए पाट पर मोर नाव उड़ाए आपके चरणों के रखे अगर पत्थर नारी बन गया तो हमारी ये नाव भी मुनि की पत्नी बन जाएगी प्रागुलम नहीं थी हमारी जात बिरादरी की बनती मल्लाहिन बनती विशाख पार्टी में आती बड़ा अच्छा काम होता लेकिन ये बनेगी ऋषि पत्नी ब्राह्मण कन्या हमारे घर में बनेगी मछली पांच बड़ी सारी सकल सुख बारे बारे
अब मछली बनेगी, नाक कमाएगी, ऐसे एडजस्टमेंट होगा। अगर हमारे सबके ग्रंथे बनते, अगर मल्लाइन बनते, जैसे दुई थो, जैसे तीन थो, जैसे चार, लेकिन अब ये बनेगी आसन लोग एकदम ऋषि का स्वरूप रहेगा, तो हम कैसे अच्छे समायोजित हो पाएगा, किस लिए गड़बड़ है, कहा तो मान लिया मैंने, तो आप करना क्या चाहते हो, कहा बस कोई झंझट नहीं है, वही जो धूल है उसी को मैं धो लूंगा और उसके बाद आपको मैं पार उतार दूंगा। कहा तो शर्त क्या था, बस यही शर्त है, ज्यादा कोई शर्त नहीं है। पैदे कमल धोई, हाँ जैसे लोग देवियां बहुत महान होती, कोई जरा सा बीमार हुआ या उसको बम्बई कलकत्ता में थोड़ा उसको बुखार हुआ, इतना मनौती मान गई है, चट्टमाई पट्टमाई और सोनमाई दुर्गरिया बेला माई का दर्शन, विष्णु भगवान का दर्शन, बालाजी का दर्शन, बागेश्वर धाम का दर्शन, होकर बेचारे लाखों रुपया दर्शन में खर्च हो जाए और दवाई में भले चार दस हजार में हो जाए, इतना ये मनौती मानती है। हाँ अब तो एक नया नियम चल गया, पहले वो जो लोग महिलाएं आकर के हमने अपने घर पर देखा, चौदह लोगों का आप समझिए बृहस्पतिवार के दिन वो पूजा थी, पहले हम लोगों के माता जी के जमाने में सब महिलाएं आती थी, लाई चना गुड़ ये सब बांट दिया जाता था, कथा सुना दी जाती थी, जीत हो जाता चली जाती थी। इस बार मैंने देखा कि सब चौदह चौदह जमीन, हमने कहा आपको पूजा हो गई, जब आप लोग क्यों बैठी है, छोला बनत हो, अच्छा ये पूरा नाश्ता करके जाती है, छोला जलेबी तब जाती है, पहले सब नियम नहीं था, पहले नियमों में अंतर तक है, हर जगह नियम बदल रहे हैं, तो नियमों के संदर्भ की अवस्था का एक स्वरूप होता उसका एक, पहले हम लोगों के घर में बुआ जी आती थी, बुआ जी हमारी माता जी रात संध्या बड़ा सा पराक लेकर आधा घंटा पैर धोती थी, अब तो जो बुआ जी आती नए नए लोग है ना, चाय जल पान बिस्कुट रखे, हमने इससे कहा बुआ जी का पैर नहीं धोए, पहले लोग धोते थे, कहा गुरु जी आप मोहन जोदड़ो हड़प्पा वाले जमाना का पहले बुआ पैदल आवत रही, थकी रहत रही, धूल माटी लगाए चप्पल न रहा, तब आप समझा हम सब पैर धोते थे, अब तो स्कॉर्पियो से इनोवा से फॉर्चूनर से उतरी, अब कहा थकी है, हाँ इसलिए धोने का क्या औचित्य है। देखो सब लोग नए नए ढंग से व्याख्या आप समझो कर देते, पहले सप्तमी की पूजा होती थी, हमारी माता जी आप समझिए क्या पूछना वो चलाती थी, हाँ अब तक उसका आटा से सप्तमी माई पूजा करती थी, हाँ हमने कहा श्रीमती जी कहा सप्तमी पूजा है, कहा हाँ, हमने कहा तो आप आटा नहीं निकाल रही है, कहा चटिया वाले कहे हरी भोल के पीछे, हमने कहा वाह चटिया वाला भोल के पीछे, सब परंपराए मान्यताए संदर्भ सब क्रम के समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं। काम करिए आप क्या प्रकार बड़े बहुत अच्छी परंपरा पूरे मर्यादा ब्राह्मण के प्रतिष्ठापित है, हाँ सुल्तान तो प्रताप बहुत अच्छा है, बहुत जगह तो बना, आप समझिए बहुत बिगड़ गया, आप अगर चाहते हो कि घर में अन्न धन की कमी ना हो, लक्ष्मी सरस्वती की कृपा बनी रहे, हमें नहीं कहते कहानी अंबानी हो जाओगे, शास्त्र की आज्ञा है इतना काम करो, ऐसा नहीं लगेगा क्या काम, नभी प्रपादा डट कर दे मानी ब्रह्म सम भोज्य, घर में आए उनका चरण धो स्वाहा स्वधा कहा रवि भर जीता, हे पक्ष आ जाए स्वाहा स्वाहा हवन, और फिर तेरी पक्ष आ जाए पिता के लिए घर वालों के लिए खिलो तकम कसम स्वधा, और न भेद शास्त्र धनी घर जीता, समय समय के रुद्राभिषेक जैसे दिल्ली में रुद्राभिषेक बहुत बढ़िया, राजकुमार जी बेरेन जी सब लोग घर पर करते हैं, हमारे यहाँ चार शुभ के जी जाते हैं, आप समझो तो ये करो, और उसके बाद लीपा पोती, अब तो जमाना बदल गया, पहले बहुत बढ़िया आज हम चर्चा कर रहे थे,
को देख करके इसके ऊपर कुछ ऐसा लकड़ी वाला है। पहले आप समझो नीचे बढ़िया गोबर से लीप देते थे, बड़ी मोटी मोटी दीवार उसको पोत देते थे, हाँ, और उसके ऊपर एक कनारा का कट्ठा तो उसके ऊपर खपड़ा और उसमें लेटिए, क्या इसकी सुविधा देगा। अब वो घर ही सब नहीं रह गए तो पक्के मकान हो गए, लीपा पोती, हाँ नीचे लीपते थे ऊपर पोतते थे। अब तो महिलाओं को अपनी लीपा पोती से छुट्टी नहीं है, आप समझो घर की क्या लीपा पोती करेगी, हाँ तो ऐसी स्थिति है। लेकिन हमारे यहाँ घर को स्वच्छ घर को साफ, हाँ किसी किसी घर में चले जाओ देखो ये अपना घर कितना बढ़िया, आप देखो इस सब आप जाओ कितना बढ़िया बढ़िया घर रखती है। किसी किसी घर में चले जाओ बिना भूख के दो रोटी खा लोगे, अब कहीं चाय पीना मुश्किल हो जाएगा, आप समझो। इसीलिए सफाई स्वच्छता इस सब घर के लिए जरूरी है, सम्मान जरूरी है। पद कमल धोई कढ़ाई नाव ननाथ उतराई जाओ, क्यों करा, आपके पैरों को धोऊंगा और धोने के बाद एक दिन जमीन पे नहीं चलने दूंगा, क्यों पैरों को नीचे नहीं रखने दूंगा, धूल से खतरा है, और उसके तुरंत बाद आपको मैं नाव में चढ़ा दूंगा,